साथियों, एक देश के रूप में भारत के लिए विकास भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ विरासत भी महत्वपूर्ण है। यही भारत में हर पंथ, समुदाय और विचारधारा की भी विशेषता रही है। इसलिए आज देश परंपरा और आधुनिकता के संगम की तरफ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक और देश में आधुनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो साथ ही देश सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निवेश कर रहा है। आज हम पर्व त्योहारों की प्राचीन सांझी परंपरा को भी जी रहे हैं और त्योहारों की खरीदारी के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी से पेमेंट भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार के बजट में नई तकनीकों की मदद से प्राचीन अभिलेखों को डिजिटाइज करने का ऐलान भी किया गया है। और मैं अभी हमारे जो पुरानी सदियों पुराने जो पुराण है हस्तलिखित वो देख रहा था तो मैंने आग्रह किया कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, हमारे सारे ये चीजें डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी। मैं चाहूंगा इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सभी समाज, सभी संप्रदाय आगे आए। किसी भी पद्धति से जुड़े अगर कोई प्राचीन टैक्स है तो उन्हें डिजिटाइज किया जाना चाहिए। बीच में मैं मंगोलिया गया था तो मंगोलिया में हस्तप्रद भगवान बुद्ध के जमाने की कुछ चीजें थी, अब वहां पड़ी थी तो मैंने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको डिजिटलाइज करता हूं। और उस काम को हमने कर दिया। हर परंपरा, हर आस्था एक सामर्थ्य है। युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाना चाहिए। दाऊदी बोहरा समाज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण हो, मिलेट्स का प्रसार हो, आज भारत इन विषयों पर पूरे विश्व में बड़े अभियान को लीड कर रहा है। आप इन अभियानों में भी जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन्हें लोगों के बीच लेकर जाने का संकल्प ले सकते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच की अध्यक्षता भी कर रहा है। बोहरा समाज के जो लोग विदेशों में फैले हैं वो इस अवसर पर विश्व के सामने सामर्थ्यवान होते भारत के ब्रांड एम्बेसडर का काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा की तरह इन जिम्मेदारियों का उतनी ही खुशी से निर्वहन करेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में दाऊदी बोहरा समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, निभाता रहेगा।